दुरूद हो हुजूर पाक और उनकी आल पर। जब बीबी फातिमा जारा सलामुल्ला अलैहा हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाती थी तो रसूलल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ जाते थे और बीबी का इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ के उनका हाथ पकड़ते थे और हाथ पकड़ के हाथ पे बोसा देते थे और फिर अपनी जगह पे आके बिठाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रंगो रूप शक्लो शबाहत चाल ढाल और बातचीत में बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर किसी को भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ते मुशावेह नहीं देखा। बीबी पाक सैयदा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के अलकाब की कुछ बात करें तो बीबी का लकब है जहरा। जहरा का मतलब है निहायत ही खूबसूरत। अल्लाह ने बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा को बहुत हुस्न अता फरमाया था। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा से बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा के हुस्न के बारे में पूछा। वालदा फरमाती हैं कि बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा चौदहवीं के चांद की तरह चमकती थी। एक और बीबी का लकब है राजिया मर्जिया, अल्लाह की रजा में राजी रहना। चूंकि बीबी हर वक्त अल्लाह की रजा में राजी रहती थी, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती थी। एक और लकब है आबिदा व जाहिदा, बीबी पाक सैयदा जहरा सलामुल्लाह अलैहा हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करती थी, तभी आपको आबिदा व जाहिदा का लकब मिला। बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मेरी बेटी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत रखेगा वो मेरे साथ बेहिश्त में होगा, और जो कोई इससे बुग्ज रखेगा, इससे दुश्मनी करेगा, वो जहन्नुम में जाएगा। एक मरतबा हजरत सुलेमान से फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत 100 जगहों पे फायदा देगी, कब्र, मौत, पुले सिरात, हिसाबे कयामत। और फरमाया जिससे मेरी बेटी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा खुश होंगी उससे मैं खुश होऊंगा, उससे अल्लाह खुश होगा, और जिससे भी मेरी बेटी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा नाराज रहेगी मैं भी उससे नाराज रहूंगा, अल्लाह भी उससे नाराज रहेंगे। और फिर फरमाया ए सुलेमान, जिसने मेरी बेटी फातिमा, उसके शोहर अली उल मुर्तजा, उसके बेटे हसन और हुसैन पर जुल्म किया वो हलाकत ही हलाकत में होगा। एक मर्तबा का वाकया है बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली से फरमा रही थी कि या अली, आपको पता है मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब मैं फातिमा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं फातिमा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब सबसे ज्यादा मैं हूँ। ये बात इमाम हसन सुन रहे थे, इमाम हसन ने कहा, नहीं बाबा, मैं मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं बाबा, मैं मेरे नाना के सबसे ज्यादा करीब हूँ। ये गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपनी बेटी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि बेटी क्या गुफ्तगू हो रही है। बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा को पूरा किस्सा सुनाया। अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप दुनिया व आखरत में मेरे अजीज़ हैं, जिसने आपको दोस्त रखा उसने मुझे दोस्त रखा, उसने अल्लाह को दोस्त रखा, जिसने आपसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की और उसने अल्लाह से दुश्मनी की। अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फातिमा जहरा ये जिगर का टुकड़ा है, दुनिया वालों याद रखना, जिससे मेरी बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा राजी रहेंगी उससे अल्लाह के महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी रहेंगे और अल्लाह राजी रहेगा, और जिससे बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा नाराज रहेंगी उससे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज रहेंगे और अल्लाह भी नाराज रहेगा। गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें। तो इस वीडियो को आगे तक शेयर करें ताकि जिसको नहीं पता बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत क्या है उसको पता चले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।